इस कहानी की शुरुआत में हमें बेथनी को दिखाया जाता है जो स्पेंसर, मार्था और फ्रिज से मिलने का प्लान बनाती है, क्योंकि हाई स्कूल के बाद से उन्हें मिले हुए काफी महीने हो चुके थे, इसीलिए वो सभी को मैसेज कर देती है। वहीं हमें न्यूयॉर्क शहर में स्पेंसर को दिखाया जाता है जो पढ़ाई के साथ साथ एक शॉपिंग मॉल में पार्ट टाइम जॉब किया करता था। उसे बेथनी का मैसेज मिलता है और उनसे मिलने जाने का प्लान बनाता है। वो आज शाम को अपने शहर के लिए निकलता है, लेकिन वो काफी परेशान होता है क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत ही उतार चढ़ाव चल रहे थे। वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि अब उसके नानू एडी भी उसके रूम में ही रहने लगे थे क्योंकि उनकी अभी अभी हिप की सर्जरी हुई थी। रात को स्पेंसर को फ्रिज का मैसेज मिलता है कि हमें कल सुबह 10 बजे नोरास रेस्टोरेंट में मिलना है। तभी वहाँ स्पेंसर की मोम आ जाती है। वो उन्हें कहती है कि कल सुबह मैं जल्दी ही काम के लिए निकल जाऊंगी, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। स्पेंसर बहुत उदास होता है। वो अपने नानू को कहता है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो सब कुछ परफेक्ट था, मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब हम साथ नहीं है, इसीलिए वो यही दुआ करता है कि वो दिन किसी तरह से वापस आ जाए। तो उसके नानू से समझाते हैं कि तुम दुखी होना बंद कर दो और अपनी जिंदगी को खुलकर एंजॉय करो, ये कहकर वो सो जाते हैं। स्पेंसर को पूरी रात नींद नहीं आती, वो सोने के लिए हॉल में आता है। तभी उसे ब्रेवस्टोन के बारे में याद आता है कि जब वो गेम में गया था तो कैसे हीरो की तरह था, इसीलिए वो नीचे बेसमेंट में जाकर उस गेम को वापस निकाल लेता है क्योंकि उन्होंने जब उस गेम को तोड़ा था तो स्पेंसर उसे वापस घर ले आया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन बेथनी, फ्रिज और मार्था नोरास में मिलते हैं, लेकिन स्पेंसर वहाँ नहीं पहुँचता। वहीं एडी जब सो रहे होते हैं तो उनसे मिलने के लिए उनका पुराना दोस्त माइलो आता है, लेकिन अब वो दोस्त नहीं रहे थे क्योंकि आज से कई सालों पहले एडी और माइलो का रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम माइलो और एडीज था, लेकिन फिर माइलो ने 35 साल बाद उस रेस्टोरेंट में काम करना बंद कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें वो रेस्टोरेंट शेफ नोरा को बेचना पड़ा था, जिसकी वजह से ही एडी और माइलो में दरार हो गई थी। एडी माइलो कहते हैं कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, तो माइलो ने कहते हैं कि मैं यहाँ से मिलने आया हूँ। वहीं स्पेंसर जब अपने दोस्तों के पास नहीं पहुँचता तो मार्था को उसकी काफी फिक्र होती है क्योंकि वो किसी के भी कॉन्टेक्ट में नहीं था। मार्था उन्हें कहती है कि जरूर उसे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। फिर वो सब उसे मिलने के लिए उसके घर जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं एडी माइलो पर बहुत गुस्सा होते हैं कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए जो तुम 15 साल बाद फिर से यहाँ टपक पड़े हो। तभी वहाँ मार्था और बाकी सभी स्पेंसर से मिलने के लिए पहुँच जाते हैं। स्पेंसर के नानू से पूछते हैं कि क्या स्पेंसर तुम्हारे साथ है, तो फ्रिज उन्हें कहता है कि हम उसे ही तो ढूंढ रहे हैं। मार्था को स्पेंसर की बहुत फिक्र होती है, इसीलिए उसके रूम में जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। तभी उन्हें जुमांजी के नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है, इससे वो तीनों काफी परेशान हो जाते हैं। वो नीचे बेसमेंट में पहुँचते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ जुमांजी गेम पड़ा हुआ था जिसे स्पेंसर ने असेंबल कर लिया था। ये देखकर वो तीनों काफी परेशान हो जाते हैं। वो स्पेंसर को कॉल लगाते हैं, लेकिन उसका फोन वही रखा होता है जिसमें मिस्ड कॉल और मैसेजेस होते हैं। इससे वो समझ जाते हैं कि स्पेंसर जरूर वापस गेम में चला गया होगा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो वापस गेम में क्यों गया होगा। मार्था उन्हें कहती है कि अगर वो गेम में चला गया है तो अकेला वापस कैसे आएगा, इसीलिए अब मार्था भी गेम में जाने का डिसाइड करती है। वो सभी को कहती है कि हमें गेम में वापस जाना होगा क्योंकि हम उस गेम में जा चुके हैं और वापस भी आ चुके हैं। तो फ्रिज उन्हें कहता है कि हम बड़ी मुश्किल से बचकर बाहर आए थे, इसीलिए हम वापस उस गेम में नहीं जा सकते। तो मार्था उसे कहती है कि अगर हम में से कोई जुमांजी में चला गया होता तो स्पेंसर हमें बचाने के लिए जरूर आता। तो फ्रिज भी मान जाता है। मार्था जैसे एक कंट्रोलर उठाती है तो गेम अचानक से ऑन हो जाता है और वो डायरेक्ट ही उस गेम में जाने लगते हैं। उन्हें इस बार कैरेक्टर चुनने का भी ऑप्शन नहीं दिया जाता, लेकिन बेथनी वहीं रह जाती है। मार्था सक्सेसफुली गेम में पहुंच जाती है। वो रूबी राउंड हाउस के अवतार में ही होती है। तभी उसे वहाँ ब्रेवस्टोन दिखाई देता है और उसे लगता है कि वो स्पेंसर है, लेकिन वो एडी होते हैं और माइलो माउस फिनबार के अवतार में होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो बेथनी की जगह इस गेम में आ गए थे। एडी और माइलो को कुछ समझ नहीं आता, उन्हें लगता है कि वो सपने में है। वो रूबी राउंड हाउस से पूछते हैं तो उन्हें बताती है कि मैं मारता हूँ। तभी वहाँ फ्रिज भी ऊपर से टपक जाता है, लेकिन वो इस बार प्रोफेसर शेली ओबेरोन के अवतार में होता है। फ्रिज को बहुत गुस्सा आता है कि हर बार मैं ही इन बेकार अवतार में क्यों फंस जाता हूँ। तभी वो ब्रेवस्टोन को देखता है और उसे लगता है कि वो स्पेंसर है। तो मार्था उसे बताती है कि स्पेंसर के नाना जी और माइलो अंकल है। ये सुनकर फ्रिज शॉक्ड हो जाता है। वो मार्था से कहता है कि अगर ये एडी और माइलो है तो स्पेंसर और बेथनी कहाँ है। एडी और माइलो उनसे पूछते हैं कि क्या हम मर चुके हैं और अब हम किसी शिकारी लोंडे के रूप में पैदा हुए हैं। तो मार्था उन्हें बताती है कि हम में से कोई नहीं मरा है, हम एक वीडियो गेम के अंदर आ गए हैं जिसका नाम जुमांजी है और हम सब इस वीडियो गेम के कैरेक्टर बन चुके हैं। फिर उन्हें यह भी कहती है कि हम इस गेम में पहले भी आ चुके हैं और अब हमें स्पेंसर को ढूंढना है क्योंकि वो भी इसी गेम में है। तभी एडी और माइलो नोटिस करते हैं कि उनकी कमर का दर्द भी गायब हो गया है। तभी माइलो अंकल को एक हिप्पोपोटेमस खाने लगता है, लेकिन तभी रूबी उन्हें बचा लेती है। माइलो हिप्पोपोटेमस के
बारे में सब कुछ बताने लगता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि मुझे ये सब कैसे पता। तो मार्था उन्हें कहती है कि आपका अवतार एक जूलॉजिस्ट है। अभी भी माइलो और एडी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है। तो फ्रिज उन्हें बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक जगह है और मार्था और मैं पहले भी यहाँ आ चुके हैं, इसीलिए हमें चौकन्ना रहना होगा। लेकिन तभी फ्रिज को एक एनाकोंडा आकर खा जाता है, जिससे फ्रिज की एक लाइफ चली जाती है। तभी उन्हें वहाँ एक प्लेन दिखाई देता है। वो भागकर उस प्लेन के पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो नाइजल होता है। वो उन्हें जल्दी से प्लेन में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। नाइजल उन्हें कहता है कि एक बार फिर जुमांजी खतरे में है, जिसे सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। मार्था उसे पूछती है कि हम अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन नाइजल एक एनपीसी यानी कि नॉन प्लेयर कैरेक्टर होता है, इसीलिए उसकी बात का जवाब नहीं देता। और वो कहता है कि जुमांजी बहुत बड़े खतरे में है, जिसके बारे में मैंने आपको चिट्ठी में बताया था। तभी एडी यानी कि ब्रेव स्टोन के हाथ में वो चिट्ठी आ जाती है। एडी नानू को कुछ समझ नहीं आता कि वो चिट्ठी उनके हाथ में कैसे आई। वो उस चिट्ठी को पढ़ते हैं, जिसमें नाइजल उन्हें बताता है कि हमारा सबसे भयानक सपना हकीकत बन गया है, क्योंकि जुमांजी का सबसे खूंखार तानाशाह यर्गन वापस लौट आया है, जो अपने साथ वेशी दरिंदों की फौज लेकर आया है। वो जेतमाया पहाड़ पर बने अपने किले से नीचे उतरे और दक्षिण में मौजूद एवियन नाम की बस्ती की तरफ निकल गए, क्योंकि वहाँ पवित्र बाज मणि है, जिसकी बरसों से एवियन बस्ती के लोग हिफाजत करते आ रहे हैं। क्योंकि वो पवित्र बाज मणि ही जुमांजी की हरियाली का स्रोत है, जिससे जुमांजी में पानी बहता है और जमीन हरी भरी रहती है। इसलिए यर्गन ने बाज मणि को पाने के लिए एवियन बस्ती पर हमला कर दिया। एवियन बस्ती के बहुत से लोगों ने मणि की रक्षा में अपनी जान गंवा दी। यर्गन ने वो मणि हासिल कर ली और उसे सूरज की रोशनी से दूर अंधेरे बक्से में बंद कर दिया, जिससे पूरा इलाका सूख गया। और फिर नाइजल उन्हें ये भी बताते हैं कि अगर वो मणि जल्दी वापस नहीं लौटाई गई, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। साथ ही उन्हें खत में ये भी बताता है कि ब्रेव स्टोन के माता पिता को भी उसी यर्गन ने मारा था। तो मार्था एडी और माइलो कहती है कि हम एक वीडियो गेम में है। नाइजल फिर उन्हें कहता है कि बेरहम यर्गन रेगिस्तान में नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके उस मणि को हासिल करना होगा और उसे सूरज की रोशनी में लेकर जाना होगा। फिर वो उन्हें नक्शा देकर कहता है कि एक इंसानों की बस्ती ढूंढो और राह का पीछा करते हुए रेगिस्तानी फल तक जाओ। फिर वो उन्हें पहली बताता है कि कैसे भी हासिल करना है वो नूर, कैसे भी वो बेरहम जाए ना छूट दो इस गेम को अंजाम, बचा लो जुमांजी को लेकर इस गेम का नाम। ये कहकर नाइजल उन्हें सीधा ही रेगिस्तान में गिरा देता है। वो सभी देखते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान है। वहीं हमें बेथनी को दिखाया जाता है, जो उस गेम को वापस ऑन करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो वापस उसमें जा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती। वहीं फ्रिज को वहाँ रेगिस्तान में टूटी हुई गाड़ियाँ दिखाई देती है। मार्था फ्रिज को कहती है कि हमें सबसे पहले स्पेंसर को ढूंढना होगा, फिर हम गेम फिनिश करके बाहर चले जाएंगे। वहीं एडी नानू जब खुद को शीशे में देखते हैं तो अपनी बॉडी देखकर हैरान हो जाते हैं। वो माइलो कहते हैं कि मैं बिल्कुल हीरो लग रहा हूँ। फ्रिज नक्शे में नेक्स्ट लेवल देखता है, जो कि ड्यून्स होती है, जो कि असल में वही बस्ती होती है। तभी वो देखते हैं कि एक ओस्टिज उनकी तरफ आ रही है। माइलो जो कि फिनबार के कैरेक्टर में होते हैं, इसलिए वो सभी को ओस्टिज के बारे में जानकारी देने लगते हैं, लेकिन वो बहुत ही स्लो बोलते हैं, क्योंकि उनकी स्लो बोलने की आदत थी। फ्रिज उन्हें कहता है कि आपको जो भी जानकारी देनी है वो जल्दी दो। वो उन्हें बताते हैं कि दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले पंछी है, जो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं। लेकिन माइलो अंकल अपनी धीरे बोलने की स्पीड की वजह से उन्हें बता ही नहीं पाते कि ओस्टिज खतरा देखते ही हमला कर देती है, जिससे एडी उस ओस्टिज के वार से मारे जाते हैं, जिससे उनकी एक लाइफ चली जाती है। मार्था उन्हें समझाती है कि आपके हाथों पर जो लाइन्स बनी हुई है वो आपकी लाइफ है, और अगर तीनों लाइफ खत्म हो गई तो हम असली में भी मर जाएंगे। तभी उन्हें नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब ये होता है कि उनकी तरफ खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि माइलो ने उन्हें ओस्टिज के बारे में पूरी बात नहीं बताई थी कि वो झुंड में रहते हैं। तभी वहाँ बहुत सारी ओस्टिज उन पर हमला करने के लिए आ रही थी। वो सभी दो अलग अलग गाड़ियों में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। ओस्टिज उनके काफी करीब पहुँच जाती है। एडी और माइलो एक गाड़ी में होते हैं। माइलो को एक ओस्टिज उठाकर लेकर जाने लगती है, लेकिन एडी उसे बचा लेते हैं। वहीं मार्था और फिच की कार क्रैश हो जाती है और ओस्टिज उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी माइलो और एडी वहाँ आकर उन्हें बचा ले जाते हैं, लेकिन तभी आगे एक खाई आ जाती है। उन्हें बचने का कोई तरीका नजर नहीं आता। तभी ब्रेव स्टोन यानी कि एडी को एक आइडिया आता है और वो गाड़ी को वापस ब्रेक लेकर फुल स्पीड में गाड़ी को घाटी की तरफ लेकर जाते हैं और बड़े से टीले से कार को जंप करवा देते हैं। सभी इससे काफी डर जाते हैं, लेकिन वो फाइनली दूसरी तरफ गिरकर बच जाते हैं। एडी उन सबको कहते हैं कि मैंने तुम्हें बचा लिया। तो मार्था उन्हें बताती है कि आप ब्रेव स्टोन के अवतार में हैं, जिसके पास बहुत सारी एबिलिटीज है। फिर वो उनकी ताकत और कमजोरियां दिखाती है, जिनमें नीडर, रफ्तार, चढ़ाई, बूमरंग और जबरदस्त मर्दानगी उनकी ताकत होती है। साथ ही ब्रेव स्टोन की एक कमजोरी भी होती है, जो कि स्विच ब्लेड होती है। इससे मार्था और फिच को लगता है कि अब हमारी भी एबिलिटीज बदल गई होगी। फिर मार्था अपनी एबिलिटी चेक करती है,
जिसमें ननचस्क नया होता है। फिर माइलो अपनी एबिलिटी चेक करते हैं जिसमें लिंगी स्टिक नया होता है। फिर फ्रीज भी अपनी एबिलिटी चेक करता है लेकिन उसकी इस बार भी बहुत कमजोरियाँ होती है और जियोमेट्री उसकी नई खूबी होती है। फ्रीज बहुत गुस्सा होता है कि मुझसे ज्यादा कमजोर इस गेम में भला और कौन हो सकता है। फिर वो 5 बुरपीस लगाने लगता है लेकिन वो एक ही में ढेर हो जाता है। फिर वो सभी नॉर्थ की तरफ निकलते हैं। एडी माइलो से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से हमें हमारा बिजनेस बंद करना पड़ा। तो माइलो से कहते हैं कि मैं 35 सालों तक एक ही काम करके परेशान हो चुका था, इसीलिए मैं रिटायर होकर घूमना चाहता था। वो सभी आगे बढ़ते रहते हैं। उन्हें वो बस्ती नजर आ जाती है जो इस गेम का दूसरा लेवल होता है। वही हमें बेथनी को दिखाया जाता है जो एलेक्स के पास जाती है। एलेक्स वही होता है जो इस मूवी के पहले पार्ट में 20 साल तक इस गेम में फंस गया था। बेथनी उसे पूरी बात बताती है और कहती है कि क्या आप इस गेम को स्टार्ट करने में मेरी मदद कर सकते हैं। तो एलेक्स उसे कहते हैं कि इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो बेथनी कहती है कि हमें अंदर जाना ही होगा क्योंकि मेरे सारे दोस्त अंदर हैं। तो एलेक्स भी उसकी बात मान जाते हैं। वही मार्था और बाकी सब उस बस्ती में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें यर्गन के सिपाही नजर आ जाते हैं। वो वहाँ एक बार में पहुँचते हैं जहाँ एक लड़की ब्रेव स्टोन के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे लगा था कि तुम कभी वापस नहीं लौटोगे। फिर उसे अपने पीछे आने को कहती है। तो मार्था इसे समझ जाती है कि वो ब्रेव स्टोन की एक्स गर्लफ्रेंड है जो काफी हॉट है। इसका मतलब ये है कि नाइजल ने जो हमें आग का पीछा करने को कहा था वो यही लड़की थी। फिर वो सब उसके पीछे जाते हैं जहाँ वो यर्गन की उस संदूक को देखते हैं जिसमें बाज मणि होती है। यर्गन भी वहाँ आ जाता है और वो अपने सभी साथियों कहता है कि आज मेरा एक और सिपाही मारा गया जो मेरे भाई जैसा था और वो इन हाइनास का ख्याल रखता था, लेकिन वो मरा क्योंकि उसने मुझसे गद्दारी की। उसने मेरी कीमती चीज चुरानी चाहिए और अब मैं उसके ही मांस को उसके हाइनास को खिला रहा हूँ। तभी वहाँ अचानक से लाइट बंद हो जाती है और मिंग नाम की चोर यर्गन से उसकी चाबी चुरा लेती है, लेकिन एडी उसे गलती से पकड़ लेते हैं जिससे मिंग पकड़ी जाती है। लेकिन मार्था मिंग की बातों से समझ जाती है कि वो स्पेंसर है। तभी यर्गन स्पेंसर को मार देता है जिससे स्पेंसर की एक लाइफ चली जाती है और वो बाहर आ जाता है। मार्था और बाकी सब बाहर आते हैं। स्पेंसर को लगता है कि शेली एब्रोन बेथनी है। तो मार्था उसे बताती है कि फ्रिज है। फिर ब्रेव स्टोन और फिनबार भी उन्हें बताते हैं कि हम एडी और माइलो हैं। तभी वहाँ यर्गन वो संदूक लेकर वहाँ से निकल जाता है। स्पेंसर अपने नानू कहता है कि आपने मुझे रोका क्यों? वो चाबी मेरे हाथ लगने ही वाली थी और आप सभी को यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि मैंने सब संभाल लिया था। तो मार्था उसे कहती है कि हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आए हैं। फ्रिज स्पेंसर पर गुस्सा करता है कि तुम गेम में वापस क्यों आए? हमने वो वीडियो गेम तोड़ दी थी ताकि हम कभी इस गेम में वापस ना आ सके। तो स्पेंसर उन्हें कहता है कि मैं वापस जाकर उस गेम को ले आया और मुझे पता नहीं कि मैंने क्यों किया। मैंने गेम को ठीक किया और कल रात में बहुत ही वियर्ड फील कर रहा था, इसलिए मैं गेम में वापस आ गया क्योंकि मैं कुछ पल एक हीरो की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन मैं जो बनने आया था वो तो नानू बन गए और मैं एक चोर मिंग फ्लीट फूट बन गया जिसकी खूबियां चालाक चोर जेब कतरी तिजोरी तोड़ने वाली थी और उसे पोलेन यानी कि फूलों के रस से एलर्जी थी। तभी वहाँ ब्रेव स्टोन की एक्स गर्लफ्रेंड आ जाती है। वो ब्रेव स्टोन को कहती है कि अगर मेरे हस्बैंड स्विच ब्लेड को पता चल गया कि मैं तुमसे मिली हूँ तो वो तुम्हें मार देगा। फिर उन्हें ये भी बताती है कि यर्गन अपने इलाके पर वापस लौट रहे हैं जहाँ कबाबिक ब्रदर्स उनसे बाज मणि का सौदा करेंगे। कबाबिक ब्रदर्स वो होते हैं जिनकी बहन की शादी यर्गन से होने वाली थी और उसके बदले में यर्गन उन्हें बाज मणि देने वाले थे, इसीलिए उन्हें कहती है कि तुम्हें कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। स्पेंसर उन्हें कहता है कि हमें यर्गन का पीछा करना होगा और हमें रेगिस्तानी फल ढूंढने के लिए उस लड़की का भी पीछा करना है। तो वो दो अलग अलग टीम में हो जाते हैं जिसमें फ्रिज और मार्था ब्रेव स्टोन की गर्लफ्रेंड का पीछा करते करते एक घर में पहुँचते हैं जहाँ जुमांजी जामफल का एक पेड़ होता है। इससे उन्हें लगता है कि यही वो रेगिस्तानी फल होगा। वहीं दूसरी तरफ स्पेंसर ऊंट चुराने के लिए एक प्लान बनाता है। वो अपने नानू से कहता है कि मैं और माइलो अंकल अस्तबल से ऊंट चुराएंगे और आप यहाँ बाहर निगरानी रखना ताकि कोई अंदर ना आ जाए, लेकिन आप किसी को मत मारना और अगर कोई अंदर आए तो सीटी बजाकर इशारा दे देना। फिर स्पेंसर अस्तबल का ताला तोड़कर माइलो के साथ अंदर जाता है। वहीं मार्था और स्पेंसर को उस रेगिस्तानी फल यानी कि जामफल को हासिल करने का कोई तरीका नजर नहीं आता क्योंकि उस पेड़ के चारों तरफ एक अजीब सा पानी भरा हुआ था जिससे उन्हें लगता है कि वो तेजाब है। तभी उस पहेली को याद करते हैं कि हमें आग का पीछा करना है क्योंकि वहाँ बहुत सारी मशाले जली हुई थी। मार्था उन मशालों की मदद से सीधा पेड़ पर पहुँच जाती है और उस फल को तोड़ती है, लेकिन तभी वो नीचे पानी में गिर जाती है क्योंकि वो फल बहुत ही भारी होता है, लेकिन मार्था को उस पानी से कुछ नहीं होता। फ्रिज मार्था को बचाने के लिए उस पानी में पैर रख देता है जिससे उन दोनों की बॉडी टच होते ही स्विच कर जाती है। इसका मतलब यह होता है कि रूबी राउंड हाउस की बॉडी में फ्रिज चला जाता है और शेली ओबेरोन की बॉडी में मार्था। वहीं एडी जब बाहर पहरा दे रहे होते हैं
तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। एडी उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनते तो उन्हें मारने लगते हैं। वो अपनी पावर देखकर बहुत खुश होते हैं और वो एक एक करके सभी को मारने लगते हैं। वहीं स्पेंसर ऊंट को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऊंट बाहर नहीं आ रहे थे। तभी माइलो ऊंट से बातें करने लगते हैं, क्योंकि इस बार फिनबार के पास जानवरों से बात करने की एबिलिटी थी। वहीं फ्रिज रूबी राउंड हाउस की बॉडी में जाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि मार्था का अवतार बहुत ही पावरफुल था। मार्था उसे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन फ्रिज वापस से वो स्टंट करने लगता है जो मार्था ने किए थे, जिससे वो गलती से उस पानी में वापस गिर जाता है। मार्था जब उसे बाहर निकालती है तो वापस अपनी अपनी बॉडी में चले जाते हैं, फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं एडी ने बहुत सारे आदमियों को मार दिया था, तभी वहाँ स्विच ब्लेड अपने आदमियों के साथ आ जाता है। स्विच ब्लेड वही होता है जो ब्रेव स्टोन की कमजोरी थी, इसलिए एडी भागकर अंदर आ जाते हैं और स्पेंसर को कहते हैं कि बहुत से लोग हमें मारने आ रहे हैं। तो माइलो ऊँटों से मदद करने की रिक्वेस्ट करते हैं तो ऊँट भी मान जाते हैं। फिर वो पीछे के रास्ते से ऊँट से निकल जाते हैं। बाहर मार्था और फ्रिज उनका इंतजार कर रहे थे। स्पेंसर उन्हें कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि नानू ने बहुत से लोगों को बेमतलब मार दिया है, जिससे अब स्विच ब्लेड भी अब इन्हें मारना चाहते हैं। वो वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन एडी नानू वहाँ से जाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं उन सबको मार दूंगा। तभी स्विच ब्लेड उनके ऊपर बम से हमला कर देता है, जिससे वो सभी मारे जाते हैं। इससे उनकी अब एक एक लाइफ चली जाती है। वो सभी जेतमाया पहाड़ की तरफ निकलते हैं, लेकिन एडी और माइलो दोनों अपने रेस्टोरेंट की बातों को लेकर झगड़ने लग जाते हैं। फ्रिज उन्हें लड़ने से मना करता है, लेकिन माइलो एडी पर हमला करते हैं, जिससे एडी जब उसे पंच मारते हैं तो माइलो दूर जाकर गिरता है और उनके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है, जिससे अब माइलो के पास भी आखिरी लाइफ बची होती है। फिर वो सब आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ वो ऊँट एक पहाड़ी के किनारे पर जाकर रुक जाते हैं। वो ऊँट माइलो से कहते हैं कि आगे पहाड़ी के दूसरी तरफ यरगन का इलाका है, इसीलिए हम वहाँ नहीं चल सकते, क्योंकि वहाँ हम अपनी जान नहीं गंवाना चाहते। फिर वो सब चलकर आगे जाते हैं, जहाँ उस पहाड़ी के बीच में एक खाई होती है और उनके बीच में छोटे छोटे ब्रिज के पजल्स बने होते हैं। स्पेंसर को ये सब बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन तभी फ्रिज उन्हें बताता है कि यह सब बहुत आसान है, और ऐसा उसे इसलिए लग रहा था क्योंकि उसके पास जियोमेट्री की खूबी थी। सबसे पहले एडी नानू ब्रिज पर जाते हैं, जिससे वो ब्रिज रोटेट करने लग जाता है। सभी उस ब्रिज पर कूद जाते हैं, तभी वहाँ मेंडल्स आकर उन पर हमला करने लग जाते हैं। वो सभी फ्रिज के बताए हुए रास्ते से वहाँ से भागने लगते हैं। मेंडल्स संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। मार्था जल्दी में गलत ब्रिज पर जम कर देती है, जिससे एक मेंडल्स उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है। स्पेंसर पर भी एक मेंडल्स हमला करके उसे नीचे फेंक देता है। स्पेंसर एक ब्रिज पर जाकर लटक जाता है। मार्था मरने की वजह से वापस ऊपर से गिरती है, जिससे मार्था और स्पेंसर एक ब्रिज पर पहुंच जाते हैं। मेंडल्स उन पर हमला करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन वो एक रस्सी की मदद से दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं। वहीं उनके दोस्त भी दूसरी तरफ आने लगते हैं, लेकिन तभी माइलो ब्रिज में फंस जाते हैं और मेंडल्स भी उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। ये देखकर एडी वो ब्रिज काट देते हैं, जिससे वो फाइनली बच जाते हैं। वो बंदर उन पर हमला करने के लिए दूसरी तरफ आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एलेक्स घोड़े पर बैठकर वहाँ पहुँच जाता है और उन सभी को बचा लेता है। वो घोड़ा बेथनी होती है, जिसका नाम साइक्लोन होता है। सभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। एलेक्स उनके लिए गर्म कपड़े भी लेकर आया था। सभी साथ में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वहीं माइलो नेचर के खूबसूरत नजारे का मजा ले रहे होते हैं, तभी एडी उनके पास पहुँचते हैं। माइलो ने कहते हैं कि सिर्फ एक रेस्टोरेंट खोलने की वजह से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि जिंदगी बहुत कीमती है। तो एडी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो माइलो से माफी मांग लेते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि तुम मुझसे मिलने के लिए इतने सालों बाद क्यों आए। तो माइलो बहुत सेड हो जाता है और उसे कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने एक सुकून भरी जिंदगी जी। बस मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती थी, इसलिए मैं तुम्हारे घर आया और अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। फिर स्पेंसर उन्हें बुलाने के लिए आ जाता है, क्योंकि अब उन्हें यरगन के महल में जाकर वो मणि हासिल करनी थी। तभी फ्रिज सभी को कहता है कि हम किसी भी हाल में वो मणि हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि एडी नानू हमेशा गुस्से में रहते हैं और अगर इन्होंने वहाँ किसी को मार दिया तो हम सब मारे जाएंगे। तभी फ्रिज वहाँ से नीचे गिर जाता है, जहाँ उसे नीचे वही पानी दिखाई देता है जिससे मार्था और फ्रिज एक्सचेंज हुए थे। फिर वो सभी उस पानी में कूद जाते हैं, जिससे सभी अपने अवतार में चले जाते हैं। और अब एडी नानू मिंग चोर के अवतार में चले गए थे और माइलो घोड़ा बन जाते हैं। वो सब एक गुफा में रुकते हैं, लेकिन तभी वहाँ यरगन के कुछ सैनिक आकर माइलो और एडी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें देख लेता है। फिर वो सभी किले पर जाने का प्लान बनाते हैं, ताकि वो उन्हें बचाकर मणि हासिल कर सके। बेथनी नक्शे में देखकर बताती है कि किले के नीचे एक तहखाना है। तो स्पेंसर सभी को कहता है कि हमें दो टीम बनानी होगी, जिसमें एक टीम एडी नानू को बचाएगी और दूसरी टीम माइलो अंकल को। और अब एलेक्स के अलावा सभी के पास सिर्फ एक ही लाइफ बची होती है।
के फिर वो सभी मिशन पर निकल जाते हैं, जिसमें एलेक्स यर्गन के लोगों में शामिल हो जाता है और बेथेनी और फ्रीज भी उसके पीछे जाते हैं। लेकिन यर्गन के लोगों को लगता है कि वो कबाबिक ब्रदर्स हैं, इसीलिए उन्हें अपने साथ अंदर ले जाते हैं। वहीं स्पेंसर और मार्था तहखाने की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मार्था स्पेंसर से पूछती है कि तुम एक बार भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, तो स्पेंसर उसे कहता है कि जब भी मैंने इंस्टाग्राम पर तुम्हारी पिक्चर देखी तो मैंने पाया कि तुम कितनी खुश हो, इससे मुझे लगा कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझती हो। तो मार्था उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि जब मैं पहले हाई स्कूल में थी तो मैं इनसिक्योर नहीं थी, मैं हमेशा वहाँ घबराई रहती थी, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे कोई डर नहीं लगता। फिर उसे समझाती है कि जब सब कुछ होते हुए भी तुम अकेला फील करो तो उस वक्त ही तुम्हें अपनों की ज्यादा जरूरत होती है। तो स्पेंसर भी उसकी बात समझ आता है। वही एलेक्स माइलो को छुड़वाने के लिए अस्तबल में पहुँचता है, लेकिन वहाँ एक जाल बिछा हुआ था जिससे उसे जहर का तीर लगने की वजह से उसकी एक लाइफ चली जाती है। फिर अगली बार वो संभल कर आगे बढ़ता है, लेकिन अगली बार भी वो मारा जाता है। अब उसके पास सिर्फ एक ही लाइफ बची होती है। वहीं स्पेंसर और मार्था तहखाने तक पहुंचकर अपने नानू को आजाद कर लेते हैं। तो एडी नानू उन्हें बताते हैं कि मैंने वो तिजोरी देखी थी जिसमें बाज मणि थी। फिर एडी नानू उस रूम की छत से उस खजाने के कमरे में दाखिल होते हैं जहाँ वो बक्सा होता है, लेकिन जब उसे खोलते हैं तो उसमें बाज मणि नहीं होती। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स इस बार माइलो के पास पहुंच जाता है और उस पिंजरे में पहुंचते ही आगे का रास्ता पूरी तरीके से कवर हो जाता है। तभी वो उनकी एबिलिटी देखता है जिससे उसे पता चलता है कि वो उड़ सकते हैं। वहीं यर्गन के सैनिक बेथेनी और फ्रीज को लेकर यर्गन के पास पहुंचते हैं और वहाँ हमें पता चलता है कि बाज मणि यर्गन के गले में ही होती है। यर्गन उनसे पूछता है कि आपकी बहन कहाँ है जिससे मेरी शादी होने वाली है, तो बेथेनी और फ्रीज इससे काफी घबरा जाते हैं। यर्गन उसे कहता है कि अगर तुम अपनी बहन के बिना यहाँ आए हो तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और फिर वो उन दोनों के सर कलम करने लगता है। तभी वहाँ मार्था पहुँच जाती है और उसे कहती है कि मेरे भाइयों को छोड़ दो, मैं ही इनकी बहन हूँ और मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मार्था मौका पाकर यर्गन से वो मणि छीनने लगती है, लेकिन तभी यर्गन के सैनिक आकर उन्हें बता देते हैं कि ये कबाबिक ब्रदर्स नहीं है, क्योंकि असली कबाबिक ब्रदर्स तो गोरेग में फंसे हुए हैं। यर्गन के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी स्पेंसर वहाँ आकर सैनिकों को मारने लगता है। स्पेंसर यर्गन को मारता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वो स्पेंसर को दूर फेंक देता है। तभी स्पेंसर के जेब में रखा हुआ जामफल फूट जाता है और वो जैसे ही उस जामफल को बाहर निकालता है तो यर्गन इससे काफी डर जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जामफल यर्गन की कमजोरी होती है, इसलिए वो वहाँ से गोरे की तरफ निकल जाता है और वो अपने सिपाहियों को कहता है कि इन सबको मार डालो। फिर स्पेंसर से कहता है कि तुम हमारी फिक्र मत करो, तुम उसके पीछे जाओ, हम इन्हें संभाल लेंगे। वो सैनिक मारता और बाकी सब पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी फ्रिज को एक आइडिया आता है और वो वहाँ म्यूजिक ऑन कर देता है जिससे मार्था अपनी डांसिंग खूबी की वजह से सभी को मारने लगती है। वहीं यर्गन अपने हिंडनबर्ग एयरशिप को लेकर गोरे की तरफ निकलने लगता है, लेकिन तभी स्पेंसर वहाँ पहुंचकर एयरशिप को रस्सी से बांध देता है और फिर वो उस रस्सी की मदद से एयरशिप पर जाने लगता है। लेकिन तभी उस रस्सी के टूटने की वजह से एयरशिप का एक इंजन ब्लास्ट हो जाता है। मार्था और बाकी सभी सैनिकों को मारकर बाहर आ जाते हैं। स्पेंसर उस शिप में पहुंचता है जहां यर्गन धोखे से पीछे से उस पर हमला करके उसे मारने लगता है, लेकिन तभी ब्रेव स्टोन जामफल से उस पर अटैक कर देता है जिससे यर्गन कमजोर पड़ने लग जाता है। वो शिप टकराने की वजह से बहुत डैमेज हो चुका था। स्पेंसर यर्गन को लेकर नीचे कूद जाता है और उसे वो मणि छीन लेता है। स्पेंसर रस्सी पकड़कर एयरशिप से लटक जाता है। सभी ये देखकर काफी डर जाते हैं। माइलो और एडी उसे बचाने के लिए जाते हैं क्योंकि माइलो उड़ सकते थे। वो स्पेंसर के पास पहुँचते हैं। स्पेंसर उन्हें वो मणि देता है और कहता है कि बादलों के ऊपर उड़ो और इस मणि को सूरज की रोशनी में लेकर जाओ ताकि जुमांजी से श्राप हट सके। वो दोनों उस मणि को लेकर ऊपर सूरज की रोशनी में जाते हैं और फिर वो सब जुमांजी चिल्लाने लगते हैं, जिससे वो मणि एक्टिवेट हो जाती है और जुमांजी से श्राप हट जाता है। सभी इससे काफी खुश होते हैं। तभी वहाँ नाइजल भी आ जाता है और उन सभी को कहता है कि आपने एक बार फिर से जुमांजी को बचा लिया। फिर वो उनसे बाज मणि ले लेता है ताकि वो उन्हें एवियन बस्ती के रखवालों को दे सके। वो उन सभी को कहता है कि अब आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी माइलो फ्रिज को कहते हैं कि मैं यही रुकना चाहता हूँ और इस जगह का ख्याल रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे एक नई जिंदगी जीने का मौका मिला है। एडी माइलो से आखिरी बार गुड बाय कहते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। फिर माइलो वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर वो सभी वापस असली दुनिया में लौट आते हैं जहाँ सभी बहुत खुश होते हैं। एडी के नाना भी नोरास में जाते हैं जहाँ वो नोरा से मिलते हैं। एडी उनसे कहते हैं कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, तो नोरा कहती है कि मेरा रेस्टोरेंट संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैनेजर को काम छोड़े एक महीना हो चुका है। तो एडी उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, इससे वो बहुत खुश होती है। वहीं स्पेंसर और बाकी सब बहुत खुश होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब वो हमेशा दोस्त रहेंगे और आज के बाद उस गेम में वापस कभी
कभी नहीं जाएंगे। और यहीं पर फिल्मी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जिसमें जब स्पेंसर की मॉम उनके घर का हीटर ठीक करवाने के लिए हीटर वाले को लेकर आती है, तो वो उसे बेसमेंट में लेकर जाती है जहाँ उन्हें वो वीडियो गेम दिखाई देता है और उसे गलती से ऑन कर देते है। फिर हमें दिखाया जाता है की सारी होस्टेज असली दुनिया में आ गई है। स्पेंसर और उसके दोस्त ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और ये मूवी फाइनली यहीं पर खत्म हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।